लेकिन ये जो छोटे कार्यकर्ता हैं, आपके भरोसे हम बाहरी उम्मीदवार को यहाँ से जड़ से उखाड़कर फेंकेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कह करके, सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा है, अगर हम सभी साथी एकजुट होकर के इस मूवी में लग जाएं, संगठन पार्टी मजबूर हो जाएगी, आपके द्वारे आकर के कहेगी कि बताओ आप किसको टिकट देना चाहते हो। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जितने भी गोहाना विधानसभा में कोई भी किसी भी गांव का हमारे बीच का साथी हो, और हमें भी सभी साथी उस साथी की मेहनत करके तन मन धन से उसको जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आपने मेरे दो शब्द सुने, उन्होंने भी आज देखो कितनी अच्छी बारिश की है आपके लिए, कितना अच्छा मौसम भी किया है, इसलिए भगवान भी राजी है। आप कभी सत्य के रास्ते पर चले हुए हैं और ये सत्य का रास्ता आपको जीत दिला करके रहेगा। आपने मेरे दो शब्द सुने, आपका बहुत बहुत माता की शामिल हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दिल से दुख है कि भाई क्या हमारे नेतृत्वों ने भाजपा के ना कमांडरों ने यह नहीं पता, गोहाने के अंदर भी कार्यकर्ता हैं, किसी भी नीचे से ऊपर तक छोटे कार्यकर्ता से पदाधिकारी तक किसी को भी टिकट दे देते तो दिल खुश हो जाए। उन्होंने पैराशूट के जरिए यहाँ उतार दिया कि हम कोई भी जरूरत विधायक की पड़ेगी क्या रोहतक के जाएंगे, जज्जर जाएंगे, और शायद ये तो अमेरिका तक हाथ कदम मिले भी कोई नहीं, अमेरिका में बैठे थे। तो मैं तो ये कहूंगा, आज भी हमारे बीच में बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, इनको कभी टिकट दिया था, इनका तुरंत कमांडरों ने टिकट बदल दिया था, या तो टिकट बदल दें नहीं तो भाजपा का वो नुकसान होगा बहुत ही ज्यादा, उनके समझ में नहीं आएगी। तो शायद गोहाना विधानसभा में इन्हें 90 तो प्रेजेंट भी मिलने मौत हो जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा भाइयों, या तो एक मत होकर सारे के सारे या तो वो टिकट बदल दें, और ना तो पंचायती उम्मीदवार तार दें, हम तन मन धन से 24 घंटे तैयार रहेंगे इन्हीं शब्दों के। अपने जान रक्षण लड़ता वहां कोठी ले लेता है, और लोगों को फद्दू बना लेता है, उसके बाद अपना दिल्ली अपना चला जाता है, और उसके दरवाजे पर जावे तो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे मुंह के कुत्ते बैठे पाव हैं, जो आम आदमी भी घर में नहीं बैठ सकता। वो आज वाले गोहाने माया और कहता के है 1996 में मैं गोहाने से शुरुआत करा था, उन्हें लू नहीं फेरा, गोहाना इतना दयालु है जो जिसको चढ़ाता है उसको गिर भी सकता है। मैं ज्यादा बोलते हुए आपसे यही निवेदन कर, जो हमारे यार है जो प्रमुख आदमी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं, अति पिछड़ा समाज उनके गला एकदम से बिल्कुल कंधे से कंधा भिड़ा कर खड़ा है। ये इंतजाम भारत माता की बतो सब कहूँ। बेडवाल जी कह दे को छणमा में लड़ा था, छणमा कर्जा पाड़ का दिखा दो जो आज जो कह के जा रहा है, और मैं जिम्मेवार हूँ, मन ना चाह पाई थी छणमा में चपाड़ में, और 5 लाख रुपया गुप्या के दिखा दो और मैं सबूत ले रहा हूँ भाई लिया उसने, अरगाम में उठ का जा रहा वो आदमी, इतना झूठा और इतना मन ने नहीं देखा। हम अपना कैंडिडेट दे आओगा उसको वोट देंगे, जोड़ा नहीं मत्था भी हो रहे हम कार्यकर्ता है बुथा के, नेम था अगर चाहिए जोड़ा भी मत्था भी बुथा के कार्यकर्ता बूथ पर भी ना पाओगे, और मुख्यमंत्री का नहीं होगा बदल दे, एपी बदल दे ना नुकसान उठावेगा, और ये भी कर्जा उतार दो छणमा का, छणमा कर्जा उतार दो, जब बता देंगे भाई वो एमपी भी रह लिया करो तक भी रह लिया रहा एमएलए भी रह लिया, या कहूँ बाकी ना मेरा कर्जा नहीं उतरिया छणमा का, इतना झूठा आदमी है भाई। धन्यवाद। लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं ना, 14 में मेरे को टिकट दी थी, 5-7 दिन पाछे कहने लगे कि भाई जांगड़ा जी को देनी है, हमने उम्मीदवारी छोड़ दी, या लड़ाई हम उस दिन लड़ देता आज आटे कोई नहीं पड़े था। मेन बात तो पहली मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हमारी बहन ने आपको विस्तृत बात बताई पूरी, हर चीज शुरू से लेकर आखिर तक। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भैया, अब की बार ये आस थी कि गोहाना से
कार्यकर्ता जीत के बीजेपी का झंडा फहराएगा, कमल के फूल की जीत की आस थी अब की बार। परंतु इन्होंने जो बाहरी उम्मीदवार ले दिया, बहु जीत पर संशय है। कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं इस विधानसभा में 1,92,000 वोट है भाई, पार्टी किसी भी व्यक्ति को कोई जरूरी नहीं, हमने जितने फार्म भर रखे कैंडिडेट चाहे हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि टिकट आप भी देती है तो हम तन से, मन से और धन से उसकी सहायता करेंगे, मैं ये विश्वास दिलाता हूं भाई। वर्कर की हम ये सोचते थे कि हमारी पार्टी जो है वर्कर की कदर करती है, संगठन की हम मानते हैं आज भी, परंतु भाई एक आदमी जो है ना सब नचा रहा है, इस सीट पर नहीं पूरे हरियाणा में 29-30 सीटों में रोड़ा है, ऐसी ऐसी सीटें दे रखी है जो कभी उस हल्के में नहीं गया भाई। मैंने एक बात बता दो, 96 महीने ने इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद बताओ कब आया, कितने दिन हो गए आप बताइए तो हमें, कितने दिन हो गए। उसके बाद करनाल चला गया, वो भाई कह रहा था एक कोठी ले ली, फिर अपना उड़े जगह रोहतक जा ली, आप बताओ ना कितनी बार गुहाना आया है ये मेरे भाई। तो आप फिर ऐसे व्यक्ति को भैया हम क्या करें, आप सारे कार्यकर्ताओं का दिल रोने लग रहा है, सभी का 1,92,000 कार्यकर्ताओं का, जितने भी वोटर हैं सबका दिल रो रहा है। तो मेरा तो निवेदन यही है सीएम साहब से और आदरणीय खट्टर साहब से, जिन्होंने ज्यादातर ये वोट ये टिकट बांटी है, कि भाई इस गोहाना विधानसभा के ऊपर अभी विचार करें, अभी मौका है। बाहरी आदमी को ये लोग पसंद नहीं करते, ये जनता पसंद नहीं करती, बहुत दिन हो लिए, पहली बार विचार था कि अब की बार 100% कमल खिलेगा, परंतु वो ना खिलाना चाहते तो हम क्या कर सकें। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ठेकेदार साहब। फिर क्या था, बहन जी ने भी कही अब वो हाथी है, हम चींटी हैं, कीड़ी हैं, लेकिन ये जो चींटी कीड़ी हो ना, ये बड़े बड़े हाथियों ने घेर दिया करें, वो काम आप लोग करो, आने वाले समय में जैसा भी निर्णय हो। पहली बात तो पार्टी ने टिकट बदल देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की जो आज तक किसी का नहीं होया, और फिर भी कोई कसर है तो जो सब कहा जैसा उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल धन्यवाद। इकट्ठा हुआ बैठा है आज, और जो सब ने बात रखी है मैं उसका सबका समर्थन करता हूँ, और आस करता हूँ कि एक बार आप सभी हाथ उठाकर, जिन वक्ताओं ने बातें रखी आप भी एक बार हाथ उठाकर सभी का समर्थन करें। मैं तो दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, जनता पार्टी कार्यकर्ता और संगठन की पार्टी है। 365 दिन में से 250 दिन कार्यकर्ता काम करता है, कभी बूथ की मीटिंग है, कभी पन्ने पे काम करना है, कभी त्रिदेव पे काम करना है, कभी मन की बात सुननी है, कभी बूथ पर पौधारोपण करना है, कभी बूथ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना है, कभी मंडल पर करना है, कभी विधानसभा करना है। तो मैं ये मानता हूँ 250 से भी ज़्यादा दिन हम पार्टी का काम करते हैं, 365 दिन। कभी ढोल नगाड़े डीजे के साथ सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाचते हुए, को मोटरसाइकिलों पर, कोई पैदल, को गाड़ियों में जुलूस के साथ पहुँचे। उससे पहले पन्ना प्रमुख हुए, उससे पहले त्रिदेव सम्मेलन हुए, त्रिंगा यात्रा हुई, समय समय पर कार्यक्रम है, और सब पूरे जोर से इस कार्यक्रमों को करते हैं पार्टी कर। और जब टिकट वितरण का समय आता है, हमारे यहाँ से 25-30 टिकटार्थी थे, और सभी अच्छे मजबूत, हर तरीके से मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने टिकटों के लिए अपना आवेदन दिया, मांगने की इच्छा रखी, और फिर एक बाहरी को यहाँ से उतार दिया जाता है। सभी को इस बात की पीड़ा है, पार्टी संगठन से, शीर्ष नेतृत्व से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस पर एक बार पुनः विचार किया जाए, और यहाँ से स्थानीय अगर कोई ब्राह्मण की बात है तो हमारे पास ब्राह्मण समाज से भी बहुत नेता हैं, ओबीसी समाज से भी हैं, पंजाबी समाज से भी हैं, जाट समाज से भी हैं, हर वर्ग, हर समाज बरादरी से हमारे पास नेता और मजबूत नेता सारे। तो पार्टी एक बार विचार करे, हमारे बीच के जिस भी कार्यकर्ता को आप टिकट देंगे, बदलेंगे, उसका सभी कार्यकर्ता तन मन धन से साथ देंगे, और यहाँ से 100% गारंटी देते हैं कि इस सीट को हम जिता कर भेजेंगे, 100%।
अरविंद शर्मा आने के बाद तो ये सीट डेंजर जोन में चली गई है, लेकिन बीच का कोई भी कार्यकर्ता होगा तो हमने कुछ भी करना पड़ो श्याम दाम दंड भेद ये सीट हम जिता कर आने से भेज। और मैं तो आप सभी से भी कहूँगा कि एक दो दिन का जो समय आपने दिया उसके बाद निर्णय जरूर ले, फैसला ले, उस फैसले में मैं आपके साथ हूँ।